तो कैसे हैं दोस्तों, होप आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए फिर से एक शानदार लाजवाब फोटो एडिटिंग का वीडियो। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं पहले फोटो को किस तरह से क्लिक करवाना है। देख सकते हैं काफ़ी नॉर्मली तरीका से क्लिक करवाना है। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो यार सपोर्ट दिखाओ और सब्सक्राइब करते हुए जाना, लाइक का बटन को जरूर दबा देना और शेयर करो यार। तो चलिए आपको फोटो क्लिक किए उसे हम आपको अब एडिट करके दिखाते हैं कि आपको किस तरीका से उसको एडिट करना है। यार बहुत नॉर्मल है, बहुत ईजी तरीका हुआ है, मैं अभी आपके सामने एडिट करके दिखाता हूँ। आप देखते जाइए और समझते जाइए या फिर साथ साथ आप एडिट करते हुए भी जा सकते हैं, बट आप पहले देख लीजिए पूरा वीडियो की, स्किप मत कीजिएगा वीडियो या फिर कोई स्टेप आप स्किप कर जाएंगे तो आपके लिए दिक्कत होगी, फिर आप बोलेंगे कि ऐसा ऐसा हो गया, नहीं हो रहा है। तो आप बस देखते जाइए और एडिट करते जाइए। तो आप देख सकते हैं नॉर्मली रेनबो वाली है, उसे इमेज को हमें डाउनलोड करनी पड़ी, आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपको एक पेंट ब्रश वाली देनी पड़ेगी, देख सकते हैं नॉर्मली हमें उसे अब देख सकते हैं हमें उसे अब आसमान में फिट करना पड़ेगा। फिर आप अपने हिसाब फोटो किस हिसाब से क्लिक किए आप उसके हिसाब से आप फोटो को जो बैकग्राउंड में लगेगी आप उसे लगा लीजिए जिस हिसाब से। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको जहाँ पर आप हैंड रखें वहाँ से लगना चाहिए, आपको जो पेंट की वहाँ पर फिनिश होनी चाहिए। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से लगा चुके, मैंने ऊपर से ऐड किया था इसीलिए देख सकते हैं मेरे बॉडी पे भी आ रही है, तो हम उसे इरेज कर देंगे। नॉर्मली जैसे इरेज करते हैं तो बॉडी पे आ रही है येलो कलर, तो हम उसे इरेज कर देंगे। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कलर आ चुकी थी क्योंकि हमने ऊपर वाले लेयर को ऐड किया था तो ऊपर में आई है, बट कोई बात नहीं, हम इरेज कर लेंगे। पेड़ पौधा आप खुले ग्राउंड पर जाके करेंगे तो आपके लिए ईजी पड़ेगी, मैंने बस यहीं पर आप सामने जो फील्ड है उस पर जाके फ़ोटो क्लिक करवा लिया था। देख सकते उसे हो चुका है, अब हम ब्रश वाली को लेंगे, उसके बाद हम इसे कलर पे जो बैठता है उसे हम ऐड कर लेंगे। उसके बाद देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हैंड पे आपको लगा लेनी है कि लगना चाहिए कि आप इसे पेंट कर रहे हैं, जो रेनबो आ रहा है आप उसे ही पेंट कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं नॉर्मली आपको कर लेनी है हैंड पे इरेज करके, नॉर्मली आपको फिट कर लेना। आप हैंड सीधा रखते हो तो आप सीधा लगा लीजिए, आप नॉर्मली टिल्ड करके रखते हो तो टिल्ड करके लगा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जाके नॉर्मली एक ब्लू कलर का लेना है और उसे ऐड कर लेना है लेफ्ट साइड, आप देख सकते हैं हो चुका है। उसे आपको नॉर्मली जाके सेव करने के बाद आपको उसे लाइट रूम में ओपन करना है। लाइट रूम में हम इसे कलर इंग्रेडिएंट करेंगे कि कलर ज़्यादा निखरे और ज़्यादा अच्छी लगे, तो देख सकते हैं हम इसे ऐड कर चुके हैं। और अपने हिसाब से आप थोड़ा सा लाइट रखेंगे कि दिन का हर खुशी का माहौल टाइप लगना चाहिए, या तो इसीलिए आप थोड़ा सा यार लाइट कर दीजिए और थोड़ा सा कलरफुल कर दीजिए। देख सकते हैं हम नीचे से इसे ब्लैक करेंगे, मैं अभी आपको आगे जाके बताने वाला हूँ कि आप नीचे से इसे ब्लैक कर कैसे कर सकते हैं, आप इसे कहीं और भी ऐड कर सकते हैं इसे, इसलिए आप इसे अभी सीख लीजिएगा कि आप बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा काम लायक है। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हम कम ज़्यादा कर लेंगे। आप रेड ब्लू को देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर जाएंगे हम तो जो कॉन्ट्रास्ट कलर है उसे हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे क्योंकि लगना कलरफुल ज़्यादा है, तो कलरफुल और इसे कर देंगे और क्लियरनेस को भी बढ़ा देंगे। देख सकते हैं यहाँ पर जाके आपको एक ऑप्शन मिलेगी, या आपको नॉर्मल आप डाउनलोड करेंगे वहाँ तो उसे नहीं मिलेगी, तो मैं यहाँ लिंक दे दूंगा या फिर आप पिन कमेंट में दे दूंगा, आप वहाँ जाके उठा लीजिएगा इसे। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से स्क्वायर में था, उसे हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे और तीन यहाँ पर तीन लेयर मिलती है, ठीक है। तो तीन लेयर पर आप बीच वाली उसे हम नीचे रखेंगे और उसके ऊपर वाले लेयर को थोड़ा सा और ऊँचा कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा जो ब्लैक करेंगे तो ज़्यादा ब्लैक नहीं होनी चाहिए नीचे से, ज़्यादा कम ब्लैक भी नहीं होना चाहिए। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमें कर ले ली हैं, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हल्का सा देखें तो आपकी हो जाएगा। यहाँ पे हमारी एडिटिंग कम्प्लीट, जो देख सकते हैं पहले क्या थी और हमारी फ़ोटो उसके बाद क्या हो चुकी है। तो नॉर्मली इसे हम जाके सेव कर लेंगे, सेव करने के बाद मैं आपको जाकर दिखाता हूँ कि आप फ़ोटो पहले कैसे थी और अभी कैसी है। तो देख सकते कुछ इस प्रकार से हमारी फ़ोटो है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, मोबाइल फोटोग्राफी है तो ज़्यादा अच्छी लगी है। या वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक करते जाइएगा, सब्सक्राइब करते जाइएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी तक जाती रहे, और कमेंट करते हुए जाइएगा अपना थॉट्स कि आपकी यह वीडियो कैसे लगी है, क्या सीखना है आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी हैप्पी।